हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आई एम योर फ्रेंड यूअर टीचर निशा शर्मा कैसे हैं आप सब लोग आई होप यू गाइस आर गुड सो गाइज हम इंग्लिश लिटरेचर की काफ़ी सारी वीडियोस जो है कॉन्सेप्चुअल कर चुके हैं सो so, मुझे लगा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाए आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आज मैं जो इंग्लिश लिटरेचर की एज वन है डेट इज़ रिलेटेड टू चौसठ टू शेक्सपियर तो उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉप हंड्रेड क्वेश्चन को आपको डिस्कस करने वाली हूँ चौसठ टू तो शेक्सपियर और उससे पहले एक इंफॉर्मेशन है डिटेल वीडियोस के लिए इफ़ यू वांट टू ज्वाइन माय ऑनलाइन पेड कोर्स यू कैन ज्वाइन उसके अंदर हम कंप्लीट डिटेल जीरो से बिल्कुल एंग्लो सेक्शन से स्टार्ट करके बिल्कुल पोस्ट मॉडर्न अमेरिकन अफ्रीकन कैनेडियन बिल्कुल डी ट्री प्लस बी के वी एस और कोई भी कम्पटेटिव किसी भी स्टेट का चाहे वो पंजाब का है चाहे वो यूपी का है वट एवर ग्रेड है कहीं का भी इंग्लिश लिटरेचर को आपको कोई भी एग्जाम पास करना हो तो ज़ीरो से लेके हंड्रेड परसेंट कोर्स मैंने जो है स्टार्ट कर दिया है तो आपको यदि कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं तो आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट तो कर सकते हैं नाइन जीरो थ्री फोर जीरो डबल टू फाइव फोर वन पे ठीक है तो ये पहले इन्फॉर्मेशन थी इंग्लिश लिटरेचर का बिल्कुल डीप कॉन्सेप्ट हम जो है उसमें कर रहे हैं डिस्कस क्लासेस जो है चल रही हैं नाइन जीरो थ्री फोर जीरो डबल टू फाइव फोर वन तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं यदि आपको कोर्स ज्वाइन करना है इंग्लिश लिटरेचर का सो लेट गेट स्टार्टेड तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं चौसठ से शेक्सपियर एस के कुछ ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अब इनका डिटेल मैं काफ़ी यूट्यूब पर पढ़ा चुकी हूँ उसको थोड़ा वो देख लेना आप चोसर ऑट इन द विच ऑफ द फॉलोइंग डायलैक्ट जोफ्री चौसर यू ऑल नो वल फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री जोफ्री चौसर ने किस डायलैक्ट में लिखा था इस्ट मिडलैंड उस टाइम जो लैंग्वेज थी इंग्लिश की यदि हम बात करें तो आपको पता है जो फ्रेंच लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था लेटिन लैंग्वेज का बहुत ट्रेंड था तो इन्हीं को मिक्स मैच करके जो उस टाइम चौसर ने इंग्लिश को क्रिएट किया था तो बेसिकली जो डायलैक्ट थी इंग्लिश में कन्वर्ट की गई थी वो थी ईस्ट मिडलैंड ठीक है नेक्स्ट है चोसर वाज़ द पॉइंट ऑफ फोरटीन सेंचुरी चूँकि चोसर का जो लाइफ स्पेन था थर्टीन फोर्टी से फोटीन जीरो जीरो था तो आपको पता है वो जो सेंचुरी होती है एक आगे चलती है तो चोसर का जो लाइफ स्पेन था वो फोर्टीन सेंचुरी माना जाता है तो पॉइंट ऑफ फोर्टीन सेंचुरी विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम ऑफ चोसर इज कंसिडर द फर्स्ट नॉवल ऑफ इंग्लिश चोसर की जो पोएम है डेट इज़ एंड थ्रुलस एंड ट्रेसिडी को हम फर्स्ट नॉवल कंसिडर कर, करते हैं लेकिन ये फर्स्ट नॉवल नहीं है रीजन इज डैट क्योंकि ये वर्स फॉर्म में लिखा है पोइट्रिक फॉर्म में लिखा है यदि इसको प्रोस फॉर्म में लिखते तो शायद ये इंग्लिश लिटरेचर का पहला नॉवल हो सकता था बट पोइट्रिक फॉर्म में लिखा जाने की वजह से इसको इंग्लिश लिटरेचर का पहला नोवेल नहीं माना गया और ये बहुत बड़ा है इसमें एटी टू हंड्रेड्स के नियरेस्ट लाइन है और ये बहुत लॉन्गेस्ट पोएम है बट ये नोवेल वाली फॉर्म टाइप लगती है ना काफ़ी लंबी हो गई इसीलिए इसको कंसिडर कर सकते हैं फर्स्ट नॉवल बट इनफैक्ट कंसिडर नहीं किया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम ऑफ चोसर इज अनफिनिश्ड कौन सी पोएम जो है चोसर की अनफिनिश्ड थी द अनफिनिश्ड पोएम ऑफ लीजेंड ऑफ गुड वुमेन लीजेंड ऑफ गुड वुमेन चोसर की अनफिनिश्ड पोइम थी इसके अंदर इसने वुमेंस को हमेशा चोसर जो क्रिटिसाइज ही करते थे बट इसके अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने जो क्लासिकल वुमेंस हैं उनको प्रेजेंट किया था फॉर द जनरल आइडिया ऑफ द कैंटबरी टेल्स चोसर वॉज इन डेप्ट मीन्स बेसिकली द क्वेश्चन इज रैट कि चोसर को जो कैंटबेरी टेल्स हैं जो चोसर का मास्टर है तो उसके लिए जो उनको आइडिया मिला था वो बकैशियो के डका से मिला था बकेश्यो ठीक है बकेश्यो बी ए डबल सी ए डबल सी आई ओ तो बकैशियोज वर्क इज़ डैरम जहाँ से चोसर को कैंटबेरी टेल्स के लिए आइडिया जो है मिला था नेक्स्ट है वेयर डू द पिलग्रीम्स ऑफ द कैटबेरी टेल्स मीट इन लंडन तो कैंटबेरी टेल्स के ऊपर आई थिंक मैं दो से तीन वीडियोस बना भी चुकी हूँ बहुत पहले बनाई थी कॉपी वॉपी हिलती रहती थी बहुत पहले पता नहीं था बनाना नहीं आता था बट कंटेंट वहाँ मैटर करता है कंटेंट देख लेना वेयर डू द पिलग्रीम्स ऑफ द कंटेपरी टेल्स मीट इन लंडन तो कहाँ पर जो आपको पता है ये जो जा रहे थे अपनी सेंट थॉमस श्राइन पे तो टैबर्ट इन में मिलते हैं जिसका होस्ट होता है हैरी वैली ठीक है आप क्वेश्चन में मैं डिटेल ज़्यादा बताने वाली नहीं हूँ डिटेल वीडियोज आप देख लेना और डिटेल वीडियो के बाद क्वेश्चन करना टैबर्ट इन हाउ मेनी टेल्स आर टोल्ड बाई द ईश पिलग्रीम्स तो जो टैबट इन में जा रहे थे ट्वेंटी नाइन पिलग्रम्स प्लस वन चोसर तो टोटल पिलग्रम्स पूछे तो थर्टी हो जाते हैं इंक्लूडेड चोसर विदाउट चोसर ट्वेंटी नाइन पिलग्रम्स थे तो इनको डिसाइड किया गया था फोर स्टोरी जो दो स्टोरी आते टाइम सुनानी है दो स्टोरी जाते टाइम बेसिकली ये ट्वेंटी नाइन पिलग्रम्स प्लस चोसर एक मतलब धार्मिक सेंट जो थॉमस श्राइन है वहाँ जाते होते हैं तो इनको रस्ते में ऐसे कहा जाता भी कहानियाँ सुनाओ और जो बेस्ट कहानी सुनाएगा उसको स्पर मिलेगा सपर मतलब मील मिलेगा हैरी वेली की तरफ से जो होस्ट था तो फोर स्टोरी को जो है प्लान किया गया था द पिलग्रीम्स आर गोइंग टू विजिट द टोम ऑफ किसकी टोम पे जाते हैं थॉमस ए बकेट जैसे अपने होते हैं ना देवी देवता फेमस तो इनकी भी ऐसे श्राइन होती है ये थॉमस ए बकेट वेयर इज द टोम ऑफ सेंट सिचुएटेड तो ये कैंटबेरी इज अ प्लेस कैंटबेरी टू लंडन आपको पता है वेयर इज द टोम ऑफ सेंट सिचुएटेड तो स्टाफोड ऑफ एवन तो शेक्सपियर से रिलेटेड है पता होगा आपको बार्ड ऑफ एवन कहते हैं एवन इज द नेम ऑफ रिवर ध्यान रखना तो कैंटबेरीज Next I who narrate the first tale of the Chaucer's Canterbury Tales. चौसर की कैंटवरी टेल्स है उसमें फर्स्ट टेल को कौन नरेट करता है तो चौसर की जो ट्वेंटी फोर टेल्स हैं चौसर ने प्लान किया था कि ये वन ट्वेंटी टेल लिखेगा बट ट्वेंटी फोर को ही कंप्लीट कर पाते हैं और बिल्कुल बेस्ट तो ट्वेंटी को ही कंप्लीट करते हैं बट फिर भी ट्वेंटी फोर को मानी जाती हैं बेसिकली ट्वेंटी टू इन्होंने वर्स फॉर्म में लिखी थी और टू जो है इन्होंने प्रो स्टाइल में लिखी थी तो द नाइट ठीक है नाइट क्योंकि सोसाइटी के हिसाब से नाइट सबसे अपर लेवल पर होता है इसीलिए नाइट टेल को अपर लेवल पर माना गया है हु टेल्स द लास्ट टेल ऑफ देंटबेरी टेल्स कैंटबेरी लास्ट में थी द मॉन्ग प्रायर पी आर एस ओ एंड पार्सन टेल नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टेल इन द प्रोज प्रोज में कौन सी टेल लिखी थी तो दो टेल्स जो है प्रोज में लिखी थी वन इज टेल ऑफ पार्सन टेल एंड वन इज टेल ऑफ मेलबी बाकी है ट्वेंटी टू टेल्स वर्स में लिखी थी वर्स मतलब वो क्या बोलते हैं पोएम वाली फॉर्म में लिखी गई थी बट ये जो है प्रोज फॉर्म में लिखी गई थी प्रोज फॉर्म होती है जो जैसे एस पैम्फलेट वगैरह लिखते हैं तो पार्सन टेल एंड टेल ऑफ मेलबीज नेक्स्ट है हु टेल द टेल ऑफ़ मेलबीज इन कैंटबरी टेल्स टेल ऑफ मेलबी किसने आ, मतलब आ, बोली थी तो चोसर ने टेल ऑफ टोपास टोपास एंड टेल ऑफ मेलबीज ये दो टेल जो है चोसर से रिलेटेड थी नेक्स्ट है चोसर ट्रेलर्स एंड क्रेसिडे इज रिटर्न इन द चौसर की जो ट्रेलर्स एंड क्रेसिडी थी वो रिटर्न थी हीरोइक कपलेट क्वान ट्रेन ऑक्टेवा राइम रॉयल तो रीमा रॉयल भी बोल देते हैं इसको राइम रॉयल जो है चौसर ने स्टार्ट की थी अपना एक नया राइटिंग का स्टाइल था द फर्स्ट first... नेक्स्ट है द फर्स्ट पोएम ऑफ इंग्लिश टू यूज़ द हीरोइक कपलेट इज़ तो हीरोइक कपलेट किस फर्स्ट पोएम में यूज़ किया गया था द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन के अंदर पहली बार एक हीरोइक कपलेट्स कपलेट्स होता है मतलब टू लाइंस के जो पोए मतलब टू लाइंस बना के ऐसे पोइटी को रिप्रेजेंट करते हैं हो अमंग द फॉलोइंग सेड अबाउट द चोसर प्रोलॉक द कैंटेबरी टेल्स इज़ द हेयर इन डीड ऑफ द गॉड प्लेंटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कैंटबेरी टेल्स के लिए किसने बोला था गॉड प्लेंटी तो ये जॉन ड्राइडन ने बोला था एंड व्हाट इज़ डैट गॉड प्लेंटी प्लेंटीजा मतलब बहुता बहुत ज़्यादा मात्रा में बोलते हैं ना तो चोसर ने सोसाइटी की हर एक फॉर्म से कैरेक्टर लिए थे तो इसीलिए इसको बोला था गॉड प्लेंटी तो ड्राइडन ने एक कोर्ट दी थी किसके लिए दी थी कैरेक्टराइजेशन के लिए चोसर के जो कैंटबेरी टेल्स के कैरेक्टर थे उनके लिए ये वर्ड बोला गया था नेक्स्ट द ऑथर ऑफ पियर्स एंड प्लोमैन तो मैंने कंटेम्प्रेरीज ऑफ चोसर करवा रखा है ये वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया द ऑथर ऑफ द पियर्स एंड प्लोमैन लैंगलैंड तो पियर्स एंड प्लोमैन के जो ऑथर थे वो लैंगलैंड हैं जो कंटेम्परेरी हैं चोसर के नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम डिट चोसर डेडिकेट टू गोवर गोवर इज अ बेस्ट फ्रेंड ऑफ़ चोसर मतलब चोसर के कंटम्प्रेरी थे बट गोवर चोसर को काफ़ी ज़्यादा मतलब पसंद करते थे मोरल गोवर भी कहा था बहुत अच्छा था इनका बॉन्ड तो चोसर ने अपनी पोएम थी डेट इज ट्रोलस एंड क्रेसिडे वो गोवर को जो है डेडिकेट की थी गोवर रोट इन इंग्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम गोवर ने इंग्लिश में कौन सी पोएम को लिखा था स्पेक्युलम मेडिटेन कन्फेसो एमिनिस्टर इसने ना थ्री पोएम लिखी थी और वो तीनों अलग अलग लैंग्वेज के अंदर लिखी थी एक फ्रेंच में लिखी थी एक लेटिन में लिखी मीन्स गोवर ने थ्री पोएमें लिखी थी और तीनों डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में लिखी थी तो कन्फेसो एमेस्टस इंग्लिश में लिखी थी और स्पेक्ुलम मेडिटेनिस ये इन्होंने फ्रेंच में लिखी थी ठीक है स्पेक्युलम मेडिटेनस ये इन्होंने फ्रेंच में लिखी थी और वर्क्स क्लैमिटीज ये इन्होंने लैटिन में लिखी थी ठीक है तो ध्यान रखना थ्री पोएम्स हैं थ्री डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में हैं कन्फेसो एमनेस्टस रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड स्पेक्युलम मेडिटेनिस इज अ फ्रेंच लैंग्वेज एंड द वर्क्स क्लैमिटीज़ इन लैटिन लैंग्वेज यू जस्ट रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट वर्क्स क्लैमिटी इज द वॉइस ऑफ क्राइंग ऑफ द पीपल्स मतलब पॉलिटिकल के ऊपर लिखी थी हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज इंग्लिश प्रोज के फादर कहा जाता है गाइज बेकन को कहा जाता है और वाइ क्लिफ इज अ फॉर रिफॉर्मेशन बाइबल को ट्रांसलेट करने वाला बंदा था वाइकलिफ रिफॉर्मेशन को लाने वाला बंदा था वाइकलिफ हुम द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है वाइकलिफ को ध्यान रखना बट इफ आस्क मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनस दैन इज अ चोसर नेक्स्ट टू होम इज जनरली एट्रीब्यूट द फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल बाइबल की पहली इंग्लिश ट्रांसलेट करने का क्रेज़ किसको जाता है वाइक्लिफ़ को मीन्स पहले जो बाइबल थी वो लेटिन वगैरह लैंग्वेज में थी इसको वर्नाक्युलर लैंग्वेज में ध्यान रखना वर्नाक्युलर होता है जो उस टाइम बोलचाल की भाषा होती है तो वर्नाक्युलर लैंग्वेज में जो ट्रांसलेट किया था वो वाइक्लिफ ने जो है ट्रांसलेट की थी नेक्स्ट है मोटे दी अर्थर वॉज पॉब्लिस्ट एंड मोटरे अर्थर जो है पब्लिश फोरटीन एटी फाइव में ये वर्क है काफ़ी इंपोर्टेंट फोरटीन एटी फाइव हु इज़ द ऑथर ऑफ मोटरे अर्थर मेलोरी एम ए एल ओ आर वाई मेलोरी का जो है वर्क था मोटरेडी अर्थर ड्रीम एलेग्री वॉज पॉपुलर पोइटिक फॉर्म ड्यूरिंग द तो ड्रीम एलग्री जो है पॉपुलर पोइटिक फॉर्म थी किस टाइम पर वही मेजिबल पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो था उसमें ड्रीम काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाती है उस टाइम पे नेक्स्ट है अमंग द स्कॉटिश शोरसियन द पोइट किंग वॉज मतलब स्कॉटलैंड के कुछ पोएट आते हैं तो उसमें सबसे बेटर सबसे किंग की तरफ कौन माने जाते हैं तो जेम्स वन को माना जाता है ठीक है किसको माना जाता है जेम्स वन को माना जाता है नेक्स्ट है हु अमंग द चोरसियन रोड द सिक्वल ऑफ ट्रेवलर्स एंड क्रेसिडे तो इसका सिक्वल सिक्वल का मतलब एक तरह से इसी बुकलेट का एक पार्ट लिखना सिक्वल लिखना कहते हैं ना दूसरी मूवी बनाना तो किसने बनाया था हैंनरी सन ने बनाई थी ठीक है चोरस ये हैंनरी सन इसको कॉपी करता था चोसर को हैंनरी सन नेक्स्ट है गोल्डन ट्राजे वॉज रिटन बाय तो गोल्डन ट्राजे जो है डनबार के विलियम डनबार ने लिखा था गोल्डन ट्राजे रिटन बाय विलियम डनबार नेक्स्ट है वाई कम ये नॉट टू कॉट इज़ द सटायर ऑन वाई कम ये नॉट टू कॉट इज़ अ स्टायर ऑफ ठीक है इज अ सटायर ऑफ वॉल् नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम ऑफ स्केल्टन इज नॉट नोट इस्टायर जॉन स्केल्टन की कौन सी पोएम है जो एक सटायर नहीं थी स्पीक पैरट कोल क्लाउड ग्रेंडल द ल्यूरेल तो ग्रे द यूरेल इज नॉट ए सटायर बाकी सभी स्टायर थी नेक्स्ट है स्केल्टोनिक इज अ फॉर्म ऑफ स्केल्टोनिक इज अ फॉर्म ऑफ स्टेंचा मीटर कंपेरिजन कंसिस्ट तो ये मीटर की फॉर्म थी जो स्केल्टन मतलब जो पॉइट जोन्स जो स्कॉल्टन थे तो उनकी जो फॉर्म थी वो मीटर वाली फॉर्म थी तो उसको स्केल्टोनिक फॉर्म बोला गया था हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑ ऑथर ऑफ फॉल्स ऑफ प्रिंसेज फॉल ऑफ प्रिंसेज के ऑथर थे लिट्सगेट तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है स्टार लगा लो आ जाता है पेपर में लिट्सगेट अलेक्जेंडर बाल से वॉज नोन फॉर द शिप ऑफ फोल अब इसके अंदर क्या है कुछ नॉन फेमस क्वेश्चन है जो नेट में ही आते हैं बेसिकली तो नॉन फेमस साइड बाई साइड जो भी आते हैं इनको थोड़ा सा लर्न कर लीजिए आप हु बोर्ड द प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय किसको जाता है जोन कैक्सटोन को जाता है ये इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस लाते हैं जहाँ से विलियम कैक्सटन सॉरी और यहाँ से प्रिंटिंग प्रेस आने से लिटरेचर बहुत ज़्यादा इस्टैब्लिश होता है क्योंकि मैन्यूस्क्रिप्ट इतनी नहीं लिखी जाती थी हाथ से आप कितनी कॉपीज़ लिख सकते हो प्रिंटिंग प्रेस आने से लिटरेचर बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड वॉज इंट्रोड्यूस इन 1476 तो प्रिंटिंग प्रेस इंग्लैंड में आती है 1476 के अंदर आती है फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस नेक्स्ट सर थॉमस मोर रिटन यूटोपिया इन फिफ्टीन सिक्सटीन और इसको फिफ्टीन फिफ्टी वन में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था बेसिकली ये लेटिन में लिखा गया था बट बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया था फिफ्टीन फिफ्टी वन में सर थॉमस मोर यूटोपियन इज़ अ काइंड ऑफ सोसाइटी जहां पर कोई टेंशन दुख दर्द नहीं होता जस्ट प्लीजर होता एक आइडियलिस्टिक जो सोसाइटी होती है यूटोपिया हाँ सेम आ गया यूटोपिया इंग्लिश ट्रांसलेशन केम आउट इन फिफ्टीन फिफ्टी वन ऑलरेडी आई हैव टोल्ड दिस क्वेश्चन हु रोड द प्रोज ऑफ हिस्टोरीज ऑफ द रिचर्ड थर्ड तो रिचर्ड थर्ड के ऊपर स्टोरी ऑफ प्रोस किसने लिखा था थॉमस मोर ने लिखा था एवरी मैन इज अ वेल नोन मेडिवल ड्रामा मेडिवल पीरियड वो होता है जो एलिजाबेथन एज से पहले होता है जो प्री एलिजाबेथन एज के ड्रामा होते हैं तो एवरी मैन अन नोन ऑथर है बट से मोरलिटी प्ले ये मोरल्टी प्ले का उदाहरण है बट ये अन नोन ऑथर का है उस टाइम मोरल्टी मिराकल जो प्लेज होते थे गौरबक इज अ फर्स्ट ट्रेजडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो निकोलस ओडाल सॉरी सेकविले ने लिखी थी नॉर्दर्न एंड सेक्विले ने लिखी थी कॉर्बेडक फर्स्ट इंग्लिश ट्रेसडी 1562 में ठीक है 1562 में इट्स रिटर्न बाय कॉर्बेडक नेक्स्ट है फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी डेट इज रैल ऑफ रोएस्टर डोएस्टर ये लिखी थी निकोलस उडाल रैलफ रोइस्टर रोएस्टर डोएस्टर इज अ फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी तो फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी है डेट इज़ रैलफ ऑफ डोएस्टर डोइस्टर फिफ्टीन जब यूटोपिया का इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ था और फर्स्ट ट्रेजडी है 1562 में जो नॉर्दन और सेकविलियन ने लिखी थी ये सकविलियन नॉर्दन दिस इज द नेम ऑफ द ट्रेजडी राइटर गोसन स्कूल ऑफ अब्यूज इज़ अ प्रोवक्ट ऑफ तो गोसन की स्कूल ऑफ अब्यूज़ थी स्कूल ऑफ पोइट्री थी तो स्कूल ऑफ अब्यूज भी लिख देते हैं स्कूल ऑफ पोइट्री भी लिख देते हैं इसको तो इसके व, इसके अगेंस्ट जो वर्क आया था वो आया था फिलिप सिडनी का अपोलाइज फॉर पोएट्री या डिफेंस ऑफ पोएट्री भी इसको बोल देते हैं ठीक है अपोलाइज फॉर पोइट्री फिलिप सिडनी का वर्क था ठीक है गोसन के स्कूल ऑफ अब्यूज़ के अगेंस्ट जो है ये वर्क आया था डिफेंस ऑफ पोइट्री भी कह देते हैं इसको नेक्स्ट है द शेफर्ड्स कैलेंडर वॉज रिटन बाई स्पेंसर द शेफर्ड कैलेंडर है जो इकोलॉजी थी बारह मंथ के ऊपर बेस्ड थी स्पेंसर ने लिखी थी स्पेंसर सटायरिकल सटायरिकल पोएम इज मदर्स हैबर्ड टेल ये स्पेंसर की एक सटायर जो है पोएम थी डेट इज मदर हैबडट टेल स्पेंसर सेलिब्रेशन इज ऑन मैरिज अपनी मैरिज को सेलिब्रेशन करते हुए स्पेंसर ने लिखा था एप्पी थेमेलियन एप्पी थेमेलियन इज अ काइंड ऑफ मैरिज सॉन्ग होता है ठीक है प्रो थेमेलियन भी लिखा था इसने किसी किंग राजा की मैरिज की सेलिब्रेट करते हुए नेक्स्ट है द फेरी क्वीन एलोग्रिकल काफी लोएस्ट पोएम है इंग्लिश लिटरेचर की फेरी क्वीन किंग अर्थर इज अ हीरोलीजा बेथ को डेडिकेट की गई है सिक्सूस की इसमें बात की गई है हु इज द ओवरऑल हीरो प्रिंस अर्थर द स्पेंसेरियन स्टेजा कंसिस्ट लाइन नाइन स्पेंसेर स्पेंसर ने अपने स्टेंजा को ही डिस्क्राइब uh, किया था नाइन लाइन के अंदर तो काफी फेमस है ड्यूसा इज अ कैरेक्टर ऑफ स्पेंसर ड्यूसा कैरेक्टर है स्पेंसर की फेमस टोटल मैसेलनी इज़ अ सोनेट कलेक्शन पब्लिश इन द 1557 फिफ्टी सेवन टोटल मैसेलनी यहाँ पर टोटल क्या है कई बार पूछ लेते हैं टोटल इज अ नेम ऑफ पब्लिशर टोटल नेम है पब्लिशर का विट इंट्रोड्यूस द पेट्रचन सोनेट्स कपलेट एंडिंग कपलेट है मतलब दो लाइन से एंडिंग जिसकी दो लाइन से एंडिंग होती है डेट इज कॉल्ड कपलेट एंडिंग ठीक है द क्रेडिट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग पोल्यूटर मेजर इन इंग्लिश पोएट्री सरे ने पोलिट्र मेजर इज अ काइंड ऑफ सोनेट काइंड ऑफ तो पोल्यूटर मेजर जो है सरे ने

और इसके ऊपर जो मतलब एक तरह से लिखा था वो सर्रे ने लिखा था लेकिन जो वर्ड देने का काम किया था वो गैस कोयगनी ने किया था ठीक है सिडनीज़ अकार्डिया इज़ सिमिलर टू सिम सिडनीज का वर्क था अकार्डिया ये सिमिलर था किसके मोर यूटोपिया के ठीक है थॉमस मोर यूटोपिया के एस्ट्रोफल एंड स्टेला इज़ ए सोनेट सिक्वेंस बाय सिडनी जिसमें एस्ट्रोफल एक स्टार लवर है स्टेला एक बिलव्ड है जिससे स्टार अपनी बिलव्ड स्टार्स को मतलब देखता रहता है और मिलते नहीं हैं हमें स्टार्स उसी प्रकार से इसको अपनी बिलव नहीं मिलती है इवन इसके फादर चाहते थे इससे शादी हो बट नहीं थॉमस चैम्पियन वॉज द कंटेम्प्रेरीज ऑफ ट्राइडन ये जो ट्राइडन के कंटेम्प्रेरी थे विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ डेनियल इज़ अ रोमांस तो डेनियल का कौन सा वर्क एक फेमस रोमांस है द कॉम्प्लाइंट ऑफ रोज रोजा मैंट विच ऑफ द फॉलोइंग एलिजाबेथ एंथोलॉजीज ऑफ पोइट्रीज कंटेन द पोएम ऑफ डेथ ऑफ सिडनीज सिन डेथ पे कौन सी एंथोलॉजी है एंथोलॉजी होता है पोइट्री का कलेक्शन तो कौन सी एंथोलॉजी है डेट इज फोनिक्सनेस्ट डेट इज फोनिक्स अनस्ट ठीक है नेक्स्ट है फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन इंग्लिश वॉज हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय फर्स्ट बुक जो प्रिंट हुई थी इंग्लिश में डेट इज हिस्ट्री ऑफ ट्रॉए थॉमस किड स्पेनिश ट्रेजडी केम इन विच ईयर 1589 ऐटी नाइन थॉमस किड की स्पेनिश ट्रेजडी एक बिल्कुल जो सिनिकन ट्रेजडी थी ग्रीक ट्रेजडी उसके ऊपर बेस थी 1589 में आई थी विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ चार्ज पीले अटायर ऑन द पॉपुलर ड्रामा ऑफ द डे द ओल्ड वाइफ टेल ठीक है ओल्ड वाइफ टेल नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले रॉबर्ट ग्रीन इज एन इमिटेशन ऑफ मार्लोस टिम्बरलेन मार्लो के टिम्बरलेन का कौन सा इमिटिएट है रॉबर्ट ग्रीन ये यूनिवर्सिटी विट्स की बातें चल रही हैं एल्फोनस किंग ऑफ रेगन एल्फोनस किंग ऑफ रेगन शेक्सपियर्स बोरोड द प्लॉट ऑफ ग्रीन पेंडोस्टो एंड ट्रिम्फर्ट ऑफ ट्राइन किसके लिए तो शेक्सपियर ने रॉबर्ट ग्रीन का वर्क था पेंडोस्टो जहाँ से प्लॉट लिया था विंटर्स टेल का ठीक है ध्यान रखना विंटर्स टेल का प्लॉट लिया था इसने पेंडोस्टो से नेक्स्ट इज शक्सपियर बोर्ड द प्लॉट ऑफ थॉमस लोज रोजा लैंड ऑफ विच ऑफ द प्ले तो रोजा लैंड से जो प्लॉट लिया था वो एज यू लाइक इट के लिए लिया था एज यू लाइक इट में हीरोइन भी थी शेक्सपियर वज बोर्न इन द फिफ्टीन सिक्सटी फोर हुआ एज अमंग द कंटेम्परेरीज वॉज बोर्न इन द सेम ईयर शेक्सपियर जिस साल पैदा हुए तो उस साल कौन पैदा हुए थे भाई मार्लो इवन ये तक कहते हैं कि मार्लो मरा नहीं है मार्लो ही शेक्सपियर के रूप में मतलब वेश बदल देता है बट ऐसा बिल्कुल नहीं है सेम ईयर मरे थे बट मार्लो जल्दी डेथ हो जाती है विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ मार्लो इज बेस्ड ऑन द जर्मन लीजेंड डॉक्टर फोस्टर्स इज अ बेस्ड ऑन जर्मन लीजें विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ मार्लोज इज़ अनफिनिस्ड द मस्करेज एट पैरिस द मस्करेज इज पैरिस इज अनफिनिश्ड वर्क नेक्स्ट दार्लोइन द मारोवियन हीरो इज नोन एश पावर क्योंकि मार्लो के हीरो हैं नोन फॉर हंगर ऑफ पावर पावर के लिए हंगर थी हू रोड द फॉलोइंग वॉज दिस फेस वॉज लॉन्सड विथ थाउजेंड शिप्स एंड बर्न इन द टोपलेस्ट ओवर ऑफ द एल्यूमेन ये वर्ड्स जो है मार्लो के लिए ने लिखे थे ठीक है वॉज इज दिस फेस वॉज लॉन्ग्स टू द थाउजेंड शिप विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज नॉट बाय द शक्सपियर कौन सी पोएम नहीं थी वीनस एनाडोनियस थी रेप ऑफ लुक्रेसी थी पैशनेट प्रिलग्रम अ हीरो ऑफ लियंडर इज अ पैशनेट प्रिग्रिम भी वी आर नॉट श्योर बट हीरो ऑफ लियंडर इज अ हंड्रेड परसेंट क्रिस्टोफर मार्लो की थी तो इट्स नॉट द पोएम ऑफ शेक्सपियर शेक्सपियर एड्रेस द सोनेट टू द नेम तो शेक्सपियर ने 154 फिफ्टी सोनेट्स लिखे थे टोटल बेसिकली तो वो 154 में से 126 ट्वेंटी सिक्स इसने डब्ल्यू एच को डेडिकेट किए हैं बट नोबडी नोज हु इज डब्ल्यू एच ट्वेंटी सिक्स इसने डार्क लेडी को डेडिकेट किए हैं और टू जो सोनेट्स हैं गॉड ऑफ क्यूपिड को जो इसने डेडिकेट किए हैं इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग ट्रेजडीज शेक्सपियर इज रोल ऑफ गोस्ट गोस्ट आता है हेमलेट के अंदर ठीक है और बिचेज़ आती हैं मैकबैथ के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ शेक्सपियर इज़ नॉट ए कॉमेडी As you like it tempest uh, old bass is not a comedy coriolanus नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फोर क्लोनजिकल ऑर्डर इज करेक्ट शेक्सपियर की फेमस फोर ट्रेजडी है उनको सीक्वेंस में लगाओ दट इज हेमलेट ओथेलो लियर एंड मैकबेथ ठीक है हेमलेट इसकी फर्स्ट ट्रेजडी है लॉन्गेस्ट ट्रेजडी है ओथेलो लियर एंड मैकबेथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ शक्शपियर इज नॉट ए रोमन प्ले तो शेक्सपियर के फोर रोमन प्ले हैं इंपॉर्टेंट जिसमें टिमोन्स ऑफ एथेंस इज नॉट ए रोमन प्ले जूलियस सीजर एंटोनी एन कलोपेट्रा क्लोनियस इज अ रोमन प्ले जो रोमन हिस्ट्री पे बेस्ड है रोमन विथ सेट द शेक्सपियर्स न्यू लिटल लेटिन एंड लेस्क्रीन बैन जॉनसन ने बात की थी शेक्सपियर को बहुत कम पता है लेस ग्रीक और लेटल लेसिन मतलब कहने का मतलब ये क्लासिज्म को फॉलो नहीं करता ये था कहने का मतलब जो ये क्लासिकल लिटरेचर रिलेटेड टू ग्रीक एंड लेटिन वेयर इन डज द फ्रेज ब्रेव न्यू वर्ड अपीयर ब्रेव न्यू वर्ड जो है अपीयर होती है शेक्सपियर के वर्क द टेम्पेस्ट के अंदर ठीक है ब्रेव न्यू वर्ड अपीयर इन शेक्सपियर वर्क द टेम्पेस्ट टू बी नॉट टू बी बीज रेफर्ड इन हैमलेट राइटनेस इज ऑल इज़ अ लाइन ऑफ किंगर एडगर्ड ने बोली थी एडगर्ड जो ग्लोब सिस्टर का बेटा था एडगर्ड uh, एडमिंड का भाई जो अच्छा हुआ था उसने बोला था राइटनेस इज ऑल रेडीनेस इज ऑल इज़ आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ विलियम सेक्शपेयर वर्क ठीक है इट्स फ्राम हैमलेट और राइटनेस इज ऑल फ्राम किंगयर ध्यान रखना लाइफ इज़ अ टेल ऑफ़ टोल्ड बाई एन ईडियट ये भी बहुत ज़्यादा बार आता है लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाई एन ईडियट ये महकबैत की लाइन है काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं ये कोवर्ड डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डैथ अपियर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले यह किस प्ले में आता है जूलियस सीजर में आता है ये कोवार डाईज मनी टाइम बिफोर देयर डैथ तो जूलियस सीजर के वह हैं ये देयर इज़ द प्रोविडेंस इन द फो ऑफ स्पैरोन हेमलेट प्रोविडेंस ऑफ फॉलो स्पेरोस इन हेमलेट अन ईजी लाइज एंड हैड डेट वियर्स द क्राउन तो ये भी हैंनरी फोर्थ की लाइन है अन ईजी लाइज द हेड डेट वियर्स द क्राउन शेक्सपियर्स रोमन प्ले इज़ अ बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स तो शेक्सपियर के जो रोमन प्ले हैं वो नॉर्थ प्लूटार्ज से बेस्ड हैं जो इसके हिस्टोरिकल प्ले हैं वो होलिन शेड क्रॉनिकल पर बेस्ड हैं ध्यान रखना जितने भी हिस्टोरिकल प्ले हैं वो होलिन शेड्स क्रॉनिकल पर बेस्ड हैं और बाकी जितने प्ले हैं वो नॉर्थ प्लूटार्क की उसके ऊपर बेस्ड हैं मतलब सोर्स हैं शेक्सपियर्स इंग्लिश हिस्ट्री प्ले आर बेस्ड ऑन द होलिनशेंट क्रॉनिकल ठीक है अभी बताया मैंने विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग शेक्सपियर लास्ट प्ले तो हेमलेट इज नॉट अमंग द लास्ट प्ले बाकी विंटर स्टेल टेम्पस विंटर टेल टेम्पस टेम्पस इज अ लास्ट माना जाता ज़्यादा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द मैच्योर कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर तो मैच्योर का मतलब जो मैच्योर मतलब नहीं थी मतलब जो स्टार्टिंग में आई थी तो कॉमेडी ऑफ एरर इज नॉट ए मेच्योर कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर बाकी आपको पता बहुत फेमस है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द अर्ली कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर अर्ली कॉमेडीज में कौन सी नहीं है टेमिंग ऑफ शो अर्ली कॉमेडी थी कॉमेडी ऑफ फरलर भी स्टार्टिंग थी टू डेंचलमैन ऑफ वेरोना तो पहली थी तो मच अडो अबाउट नथिंग ये इसकी ओपनिंग कॉमेडीज के अंदर नहीं थी नेक्स्ट नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर अपीयर्स इन इंडियन बॉय तो मिड समर नाइट ड्रीम में ये इंडियन बॉय के रूप में आता है मिड समर नाइट ड्रीम हु अमंग द फॉलोइंग सेट डेट द शक्सपियर ग्रेट ट्रेजडीज कैरेक्टर इज डेस्टिनी तो एस ए सी ब्रैडले जितने भी ट्रेजडीज़ के ऊपर कमेंट है तो वो ए सी ब्रेडले ने ही दी है इसकी इसका मेजर क्रिटिक ए सी ब्रेडले ही था जिसने इसकी ट्रेजडीज़ को पब्लिश करवाने में भी हेल्प की थी हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड हेमलेट एन आर्टिस्टिक फेलियर किसने हेमलेट को एक आर्टिस्टिक फेलियर कहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये याद रखना टी एस सीलियट ने कहा था कि हेमलेट इज एन आर्टिस्टिक फेलियर हु कॉल्स हेमलेट द मोनालिसा ऑफ लिटरेचर टी एस सीलियट ने ही इसको मोनालिसा ऑफ लिटरेचर कहा था बट आर्टिस्टिक फेलियर भी कहा था ध्यान रखना हु हैज़ मेड द फ्रोडियन इंटरप्रिटेशंस ऑफ हैमलेट अर्नेस्ट जोन ठीक है अर्नेस्ट जोन ये क्रिटिक कमेंट है हु मेड द स्टडी ऑफ इमेजनरी ऑफ शेक्सपियर तो शेक्सपियर की इमेजनरी स्टडी जो है कैरोलाइन स्पर्जन हु वुड कंसिडर द शेक्सपियर इम्पीरियल ऑथर तो पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक जो जो बाद वाले जो पोस्ट कॉलोनियल थे मतलब जो इंग्लैंड विज्ञान भारत में कॉलोनीज बन गई थी तो पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक्स शेक्सपियर को बोलते थे इम्पीरियल ऑथर इम्पीरियल ओथर द ऑथर ऑफ द टोक्सो फिलिस वॉज नया क्वेश्चन है याद कर लेना जस्ट रोजर एच एम रोजर एच एम ये बाद वाली एज में आएगा शायद हु द स्कूल मास्टर रोजर एच एम इसका से, फेमस यही है स्कूल मास्टर वाला ही वर्क है जो बहुत ज्यादा फेमस है बस इसको पक्का पक्का याद रख लेना इसका टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है द सब टाइटल ऑफ द जोन लीलीज यूफिसस अनाटमी ऑफ विट ठीक है जोन लीली का फेमस वर्क था यूफिसस उसका सब टाइटल था अनाटमी ऑफ विट नहीं क्वेश्चन है भाई खत्म खत्म रिचर्ड हुकर इज द ऑथर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क तो ऑफ लाज ऑफ द एकेस्ट्रियल पॉलिटी रिचर्ड हुकर लाज ऑफ द एकेस्ट्रियल पॉलिटी कैरेक्टर वॉज कंपोज बाय थोमस ओवरब्रे अबाउट डिट ड्राइडन सेज़ द फॉलोइंग He was the man who was all modern and the perhaps the ancient point in the largest and the most comprehensive soul. काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कॉट वर्ड्स वर्थ लिए शेक्सपियर के लिए है भाई ये बंदा है जो अपनी अपनी एज के लिए नहीं है बल्कि सभी एजेस के लिए है

गाइज तो ये थे कुछ फेमस क्वेश्चन जो रिलेटेड थे अपने चोसर टू शेक्सपियर तो सेक्सपियर से रिलेटेड होप आपको ये समझ आ गए होंगे और कुछ वीडियोज मैंने करवा रखी है इंग्लिश लिटरेचर की प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो बट इफ़ यू वॉन्ट डिटेल स्टडी एंड बिल्कुल सिस्टमैटिक स्टडी फ्रॉम एंग्लो सेक्शन टू पोस्ट मॉडर्न माई टारगेट इज एंग्लो सेक्शन टिल पोस्ट मॉडर्न देन अमेरिकन देन अफ्रीकन देन कनेडियन देन कुछ यूरोपियन फिर लिटरेरी मूवमेंट्स लिटरेरी टर्म्स क्रिटिसिज्म जितनी भी इंग्लिश लिटरेचर में फेमस चीज़ें होती हैं उनको हम प्रॉपर सिक्वेंस में कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने अपना कोर्स जो है इंग्लिश लिटरेचर का स्टार्ट कर रखा है जो चल रहा है इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी फॉर देट पर्टिकुलर कोर्स आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश लिटरेचर में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन द कोर्स देन यू कैन रिकॉर्डेड क्लास होती हैं उसके अंदर कुछ बोर्ड होती है कुछ स्क्रीन शेयर करके होती है नाइन थ्री फोर डबल टू फाइव फोर वन सेवन वन फाइव फोर सिक्स सेवन सेवन नाइन फोर तो ये मेरा नंबर है आपको कोर्स लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं काफ़ी बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए बाकी आप लोगों की मर्जी है कोई दिक्कत नहीं है भाई बाय टेक केयर थैंक यू सो मच स्टे ट्यून विद मी